आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने बदायूं से अपना प्रत्याशी बदल दिया है, आदित्य यादव को उतार दिया चुनावी मैदान में। इससे पहले शिवपाल यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन आपको बता दें अब शिवपाल यादव से टिकट लेकर दे दिया गया आदित्य यादव को। आदित्य यादव आज नामांकन करेंगे। शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, जो बदायूं से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें इससे पहले शिवपाल यादव यानी आदित्य यादव के पिता को टिकट दिया गया था, लेकिन शिवपाल यादव ने चुनाव वहां से लड़ने से इनकार कर दिया। वो रैली के लिए भी नहीं पहुंचे, अपने इलाके में भी नहीं पहुंचे। और इस बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनावी मैदान में उतार दिया है, और आज आदित्य यादव नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। पहले चरण का चुनाव होने वाला है, महज कुछ ही दिन का वक्त बचा, और इस बीच समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज। सपा का एक और टिकट बदला है। जी हाँ, इस बार सुल्तानपुर से भी टिकट बदला गया है। राम भुवाल निषाद को इस बार सपा ने टिकट दिया। देखिए, भीम निषाद को पहले टिकट दिया गया था, उनका टिकट काटा गया, और अब सुल्तानपुर से राम भुवाल प्रत्याशी होंगे। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा में टिकट बदलने का सिलसिला जारी है। सुल्तानपुर सीट से भी प्रत्याशी बदल दिया गया, पहले बदायूं और उसके बाद सुल्तानपुर से ये टिकट जो है वो किसी और को दिया गया है। सुल्तानपुर से राम भुवाल प्रत्याशी होंगे, जबकि इससे पहले भीम निषाद को यहां से टिकट दिया गया था, लेकिन यहां भी देखिए प्रत्याशी बदल दिया गया है। सपा लगातार अपने उम्मीदवारों को बदल रही है, और अब जो जानकारी मिली है बदायूं के बाद सुल्तानपुर सीट से भी प्रत्याशी बदला गया। सुल्तानपुर से राम भुवाल प्रत्याशी होंगे इस बार, अब भीम निषाद का टिकट काट दिया गया है वहां से। तो सुल्तानपुर सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे। लगातार सपा उम्मीदवार बदल रही है, और अब वहां से राम भुवाल को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। अब आप सोचिए कि अजब हाल है समाजवादी पार्टी में। लोकसभा चुनावों में महज कुछ दिन का ही वक्त बचा है, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रही है। इससे पहले भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया, और अब एक बार फिर से फेरबदल का यह सिलसिला बना हुआ है। दो सीटों पर फिर से प्रत्याशी बदल दिए, जिनमें से एक बदायूं सीट भी है, जहां से पहले शिवपाल यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उतार दिया गया उनके बेटे आदित्य यादव को। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी चुनाव से महज कुछ ही दिनों पहले इतनी कंफ्यूज क्यों है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, पहले चरण के चुनाव में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है। जारी है बार बार टिकट बदलने का सिलसिला। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 24 के इस महासंग्राम में मैदान में किसको उतारे। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, नोएडा समेत कई ऐसे सीट हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को लेकर खूब माथापच्ची की और बार बार अपने अपने प्रत्याशी तक बदले। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल किस तरह पंचर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी नई लिस्ट में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया है। दोपहर 2 बजे आदित्य यादव बदायूं लोकसभा से नामांकन करेंगे। नई लिस्ट में सपा ने सुल्तानपुर सीट पर भी अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। भीम निषाद की जगह राम भुवाल निषाद प्रत्याशी होंगे। बदायूं सीट से यह तीसरी बार उम्मीदवार बदला गया है। सबसे पहले बदायूं लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था, फिर उनकी जगह अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, लेकिन अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश अब तक करीब दर्जन भर सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुके हैं, इनमें कुछ सीटों पर तो 3 बार तक प्रत्याशी बदले गए हैं। समाजवादी पार्टी अब तक बदायूं, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, मिश्रित, नोएडा, संभल और खजुराहो में अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश ने एक के बाद एक प्रत्याशी बदले हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या वो चुनावी प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, क्या अखिलेश को अभी से हार का डर सता रहा है। तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। हालात ये हैं कि कल तक जो मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे थे, वो अपने आज विरोधी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, इस पर भी आज सबकी नजरें होंगी, क्योंकि आज उन्हें राहत मिलेगी या फिर आफत बरकरार रहेगी, इस पर फैसला होना है, क्योंकि कोर्ट में आज एक बार फिर उनको पेश किया जाएगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले आदेश के मुताबिक केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर सीधे युद्ध के मैदान से। इसराइल और ईरान के बीच लगातार जो तनाव है वो बढ़ रहा है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि C-2 इंटरसेप्टर लगा दिया इलियट खाड़ी में ईरान ने। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार ईरान हमले कर रहा है इसराइल पर और इसराइल भी लगातार दे रहा है पलटवार जवाब दे रहा है, लेकिन इस बीच ईरान के हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। अब ये जानकारी मिल रही है कि इलियट खाड़ी में C-2 इंटरसेप्टर लगा दिया गया है। तो C-2 इंटरसेप्टर लगा दिया गया है इलियट खाड़ी में, लगाया गया है C-2 इंटरसेप्टर। ईरान के हमले के बाद लगातार बढ़ रहा है तनाव। ईरान और इसराइल अब आमने सामने आ गए हैं, डायरेक्ट तरीके से ईरान हमले कर रहा है। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने वीडियो भी जारी किया है। ईरानी हमले में एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान को दिखाने के लिए पूरी तस्वीर साझा की गई है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया, ईरान ने जो हमला किया उसके बाद ये वीडियो जारी किया गया है और ये आप देखिए एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ईरान ने इजराइल पर यूं ही धमकी नहीं दी थी, ड्रोन और मिसाइल से दाग कर यह साबित कर दिया कि उसने जो कहा था वो कर दिखाया है। अब दोनों ही देशों के बीच हालात तनावपूर्ण है। ईरान के इस हमले के बाद जहां अरब में जंग का खतरा बढ़ गया है, तो जंग पर दुनिया बटी हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इजराइल और ईरान आपस में भिड़ गए। हमला इजराइल पर हुआ जो ईरान की तरफ से किए गए। इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागे गए, जहाज न उड़ पाए इसलिए एयरबेस पर अटैक किए गए, लेकिन यह हमला अचानक नहीं था बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। अब हमले के बाद की तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहीं समंदर में मिसाइल का मलबा पड़ा है तो कहीं जमीन में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। A large scale attack from Iran. Iran and its proxies launched approximately 350 suicide drones, cruise missiles and ballistic missiles and rockets from Iran, Iraq, Yemen and Hezbollah in Lebanon. We intercepted 99% of the threats towards Israel. दरअसल जंग की ये स्क्रिप्ट शनिवार रात ईरान ने खुद लिखी, जब ईरानी सेना ने इजराइल पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिए। हमला ईरान, इराक और यमन से किया गया था। इस दौरान इजराइल के तेल अवीव से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब पूरा आसमान सैकड़ों की संख्या में दागे गए ड्रोन से पटा दिखा। ईरान और इजराइल के दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध बेहद अच्छे हैं। ऐसे में भारत ने दोनों से टकराव बंद कर कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान तलाशने की अपील की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से तनाव कम करने की अपील की है। साथ ही ईरान से इजरायली जहाज पर सवार 17 भारतीयों के रिहाई पर भी बात की। ईरान के बाद जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री को फोन किया और तनाव को कम करने की मांग की है।
अब ये भी समझिए कि आखिर ईरान ने हमला क्यों किया। तो इन तस्वीरों को देखिए, ये ईरान दूतावास की तस्वीर है जो सीरिया में था, जिस पर इजराइल ने हमला किया था और ईरान के कमांडर को मार गिराया था। विदेश में हमारे दूतावास पर हमला, हम पर हमला है। इजराइल ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी। हमारा सुरक्षा सिस्टम काम पर लगा हुआ है, हम किसी भी हालत से निपटने में सक्षम हैं। हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, IDF बहुत मजबूत है और हमारे देश के लोग भी मजबूती से खड़े हैं। इस बीच सुपर पावर अमेरिका भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपात बैठक की। We expressed our solidarity and support to the people of Israel and reaffirmed our unshakable commitment towards its security. We will continue to work to stabilize the situation. यानी ईरान के इजराइल पर हमले के बाद अब नई टेंशन बढ़ गई है। कहीं एक के बाद एक लगातार चल रहे युद्ध विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए। ये इसलिए भी क्योंकि इजराइल और ईरान के जंग में दुनिया दो भागों में बढ़ चुका है। तो क्या ये जंग अब और बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के बुलंदशहर में मकान में अचानक लगी आग, नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख। घर में नहीं था कोई मौजूद, पड़ोसियों ने घर में लगी आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गाली गलौज को लेकर आरोपी ने की थी छोटे भाई की हत्या। आरोपी से के कब्जे से हथियार, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो मंजिला बिल्डिंग लेंटर गिरने से हुई क्षतिग्रस्त। मलबे में अभी 20 से ज्यादा मजदूर दबे होने की आशंका। 7 से 8 मजदूरों को मलबे से निकाला गया बाहर। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। यूपी के चंदौली में गेहूं की कटाई के दौरान हार्वेस्टर से निकले चिंगारी ने मचाई तबाही। आग से गेहूं की 25 एकड़ फसल जलकर राख। गेहूं की कटाई कर रहा था हार्वेस्टर भी जला। यूपी के लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने गए युवक पर मगरमच्छ ने किया जोरदार हमला। एक हाथ धड़ से किया अलग। युवक ने शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया।